हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग। और अभी अभी जो इतना सुंदर जो मौसम के अनुसार ये फूल खिला है, और ये गर्मी का फूल है पर्सलेन। और भी देखिए, इसी वेराइटीज का भी है, पर में पीला कलर है। और इसे तो हम लोग दस बजिया फूल भी इसको कहते हैं अपना भाषा में, आमतौर जो भाषा लोकल होता है उसमें। और ये पर्सलेन का देखिए, तो इसी वेराइटी का ये जो है पीला फूल है। और ये जो है सो बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही इजीली आप इसको लगा सकते हैं। तो बस आप एक कटिंग तोड़िए इस तरह, और इसको जो है एकदम ऐसे ग्रो कर दीजिए, बस मिट्टी में इसको दबा दीजिए। तो ये हो गया आपका तैयार, और ये अपने खुद से जर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, घना कर सकते हैं किसी भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कंटेनर में। तो मेरे पास जो है सो बहुत सारा वैरायटी है। ये जो है सो लोकल है, और इसका ये रेट एकदम पूरा बहुत सुंदर खिलता है। तो ये कल बहुत खिला हुआ था और अभी भी खिलेगा। और देखिए, ये हम छोटा छोटा सा डब्बा में लगाए हुए हैं, इस तरह का जो डब्बा आता है उसमें लगाए हुए हैं। तो इसमें ये भी जो है बहुत सुंदर लगता है, और कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता है इस फूल के लिए। तो आप कहीं भी किसी भी तरह, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आप लगा सकते हैं। देखिए, एक यहाँ भी है, पीला है। और इसको देखिए, ये जो है सो नींबू का पौधा था, और उसमें खुद से कटिंग नहीं लगाएं, बस अपने से जो है सो इसमें उगाया था, हम छोड़ दिए। तो बस हो गया, इसमें कुछ फर्टिलाइजर देना नहीं पड़ता है, और बहुत ही इजीली हो जाता है। और देखिए, ये तो पूरा भर भर के आया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर। और बीच बीच में इसको जो है सो हम मस्टर्ड केक जो होता है, मस्टर्ड केक के सरसों की खल्ली, उसको पानी में थोड़ा सा सुबह रख देते हैं, और शाम में इसको हम पानी में मिला के दे देते हैं। तो बहुत सुंदर जो है, आप देखें ये पर्सलेन का जो फ्लावरिंग है इसको, और हम लोग को जो आम भाषा दस बजे है, तो ये बहुत सुंदर से फ्लावरिंग होती है और बहुत इजीली होती है। तो आप ही इसको लगा सकते हैं, और कोई मेंटेन नहीं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।